دخل البنوت الحلو لحلت كل ايامي مثل القمر بتضوي بهيدا الدار. دخل البنوت الحلو لحلت كل ايامي مثل القمر بتضوي بهيدا الدار. البنوت الحلو لحلت كل ايامي مثل القمر بتضوي بهيدا الدار. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक को आप लोगों को सबको खुश रखे और मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को चांद मुबारक बहुत ज़्यादा और एडवांस में ईद मुबारक भी। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आज मैं अपनी शॉपिंग जो मैं लेके आई थी। कुछ मैं सऊदी अरब से लाई थी और कुछ मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और कुछ मेरी अम्मी ने TCX करवाया है पाकिस्तान से। और ये सबसे पहला सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है येलो कलर में और ये बहुत खूबसूरत सा है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, वहाँ से TCX करवाया है और ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो दूसरा सूट है ये मेरी अम्मी ने वहाँ से सिलवा के स्पेशली भेजा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के कपड़े सिले सिलाए तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम इस तरह से सिलवा नहीं सकते। और ये मुझे इतना पसंद है, ये देखें आस्तीन भी इतनी प्यारी इनकी और नीचे दामन पर भी इतना अच्छा काम करा है उन्होंने, वाइट कपड़ा लेके उसकी झालर लेके पूरे में लगाया है। और मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और एक और ये वाला सूट भी मेरी अम्मी ने वहीं से भेजा है और ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है और मुझे ब्लैक कलर वैसे ही बहुत पसंद है। और ये इस तरह से सिला है और ये इतना अच्छा तरीके से उन्होंने सिया है। हमारी ये दर्जन है घर में ही आके कपड़े लेके जाती हैं और देख के जाती हैं, उन्होंने ये सिया और इतनी खूबसूरती से सिया है। ये पूरी आस्तीनों पर उन्होंने झालर लगाई है नेट की और पीको वगैरह भी उन्होंने ही करवा के दिए, वो कम्प्लीट हमें तैयार करके देती हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना हसीन सूट है, मुझे बहुत पसंद आया दिल से। और शुक्रिया कि अम्मी ने और आप ही ने मुझे इतना कुछ भेजा। और ये जो सूट दिखा रही हूँ ये भी मेरी अम्मी ने ही भेजा है वहाँ से। ईद के लिए सबके मेके से आती है ईदी और ये मेरी थर्ड ईदी है जो आती है, क्योंकि ईद पे अम्मी लोग भेजती हैं मुझे, अगर मैं वहाँ होती हूँ तो वहाँ और यहाँ आती हूँ तो यहाँ। और ये वाला सूट भी मेरी अम्मी ने ही भेजा है और ये भी बहुत प्यारा है, ये भी ब्लैक है। और ये जो आप देख रहे हैं और ये वाला ड्रेस जो है ये भी मेरी सिस्टर ने ही भेजा है। और जो अब मैं आप लोगों को जो ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहीं सऊदी अरब से ही लिए हैं। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस मिलते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों की ड्रेसिंग तो यहाँ बहुत ही अच्छी होती है। ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वाइट फ्रॉक है, ये सिंपल है, जब बच्चे बिल्कुल भरे हुए कपड़े उतार दो तो नॉर्मली आप पहना सकते हो। और ये सेकंड ड्रेस है, ये स्कर्ट है, ये इस तरह का नीचे पूरा स्कर्ट दिया हुआ है नेट का और ऊपर ये रेड कलर की शर्ट दी हुई है इस पर, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और ये वाला जो आप ड्रेस देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मैंने भरे धड़े नहीं लिए। और ये वाला सूट भी हम लोगों ने सऊदी से ही लिया है। और ये वाली जो आप मेहरून वाली फ़्रॉक देख रही हैं मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिलाया है और ये मुझे बहुत पसंद आई थी, देखते के साथ ही पसंद आ गई थी इसलिए मैंने उसके लिए गिफ्ट ले लिया ये, क्योंकि छोटी है पैसों का वो क्या करेगी इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। और ये सैंडल भी इसी के साथ मैंने मैचिंग की ली थी, मैंने वाइट इसलिए ली क्योंकि इसके ऊपर मुझे वाइट ही अच्छी लग रही थी क्योंकि इसके फ्लावर बने हुए थे। और ये जो आप बैंगल देख रहे हैं कड़े हैं, ये इनके पापा ने इनको गोल्ड का गिफ्ट ला के दिया था ईद पे। और ये देखें कितने खूबसूरत से हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं कांच की चूड़ी यहाँ पर पहनाती नहीं हूँ, यहाँ पर मिलती भी नहीं है, इसलिए फिर इन्होंने यहाँ पर से इसको गोल्ड का गिफ्ट ला दिया था। और इनके पापा ने मुझे भी और आयजा को भी दोनों को ही इतना अच्छा गिफ्ट दिया है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कोई ना कोई गिफ्ट देते रहते हैं और मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे एक से एक गिफ्ट ला के देते रहते हैं और मेरी हर चीज़ को समझते हैं। और यहाँ मैंने उसके बालों के लिए कुछ पिंस ली थी और ये मैंने ले ली है बहुत सारी, अगर जो मुझे मैचिंग लगेगी अच्छी लगेगी मैं वो लगाऊंगी, और भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। उस कलेक्शन दिखाती हूँ, ये मैंने लिए फर्स्ट डे के लिए और ये मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी, जो जिस पे अच्छी लगेगी मैं वही बना दूंगी। ये सब मैंने सऊदी अरब से ही लिए हैं और ये भी नॉर्मल लिए, नॉर्मल पहनने के लिए बाहर बच्चे जाते करते हैं, घर में पहना देती हूँ मैं।
और ये इसका मैंने कोड ये लिया था, ये बैंगल है हाथ का पहनने का, और बस ये चीज़ें हैं। अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ अपनी कलेक्शन, और मैं अपने ड्रेस आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपने ड्रेस, ये एक सूट मेरा ये है जो ये लॉन का है, और बिल्कुल मैंने सिंपल से बोला था अपनी अम्मी से सिलवाने के लिए, ये भी TCX में आया है। और ये भी मेरी अम्मी ने ही भेजा है सूट, मुझे पसंद करवा लिया था नेट पे, और फिर मैंने उनको ओके कर दिया था, उन्होंने सिलवा के और दुपट्टे पूरी पीको वगैरह करवा के भेजा है। ये देखें ये वाली पीको करवाई है उन्होंने, और कितनी अच्छी सी करवाई है, और इसका ट्राउजर बिल्कुल सिंपल है, ये देखें बिल्कुल सिंपल है इसका ट्राउजर। और ये हम अपनी दर्जन से कपड़े सिलवाते हैं, वो घर में आके खुद देके जाती हैं और खुद ही लेके जाती हैं, और वो कपड़े बहुत अच्छी तरीके से सीती हैं, बहुत अच्छे सीती हैं। हम जब पाकिस्तान गए थे उन्होंने दिलवाया था ये मुझे, और ये देखिए ये भी इतना अच्छा सिया हुआ है, इतना प्यारा है, ये देखें गले पे इसकी एम्ब्रॉयडरी काम हुआ है, और गला इस तरह से बनाया उन्होंने, ये पीको वाली मोती वाली लेस लगाई है उन्होंने, और दामन देखें कितना प्यारा है, पीछे से लॉन्ग है आगे से शॉर्ट है, टेल कोट की तरह सिलाया उन्होंने। और ये रुबट्टा है, इसका रुबट्टा भी बहुत प्यारा है, शॉल की तरह है, और है भी बहुत बड़ा, आराम से इंसान लेके नमाज वगैरह पढ़ सकता है। और जो अब मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये बहुत प्यारा है, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, और ये सूट देखें आप कितना खूबसूरत है, ये इन्होंने मुझे दिलवाया था कि पहन लेना, लेके रख दिया था, मैंने पहना नहीं है अभी तक, जब मैं सऊदी अरब आ रही थी जब इन्होंने मुझे ये ड्रेस दिलवाया था, पर मैंने पहना नहीं था। और इसका गला देखें कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, और ये स्लिप्स हैं, और स्लिप्स पे भी देखें कितना अच्छा वर्क किया हुआ है उन्होंने, ये हाथ से इन्होंने इस तरह से मोती लगाए, और बैक गला भी इन्होंने बनाया है, डिजाइनिंग किया है ये देखें, और नीचे नीचे दामन पे इन्होंने बहुत सिंपल सी लेस लगाई है। दुपट्टा है, ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, बहुत हल्का सा है, शिफॉन पे ये, और ये फुल एम्ब्रॉयडरी है, और इस पे इस तरह की पूरी लेस लगाई हुई है, और ये देखें फुल एम्ब्रॉयडरी है। अब मैं आपको जो ड्रेस दिखा रही हूँ ये है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, वहां से भेजा है भी, और ये बहुत ही प्यारा है, एक मिनट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें इसका पजामा, जरा देखें कितना खूबसूरत सा बनाया है, इस तरह से लेस लगाइए, और ये देखें कितना खूबसूरत है, कितना बहुत प्यारा बनाया हुआ है, और ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, उनको ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखें नीचे दामन पे देखें इस तरह से उन्होंने पूरे में लेस लगाई है, और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड काम हुआ है पूरे गले पे, और गले पे देखें इन्होंने इस तरह से डिजाइन बनाया है, और स्लिप्स पे भी वही डिजाइन बनाया है जो पैंचो पे बनाया है, और उन्होंने पीछे बैक भी डिजाइन बनाया है, और पीछे डोरी इसलिए लगा दी कि वो गला ज्यादा बड़ा ना हो, इससे हम टाइट कर सकते हैं जितना हमें पहनना है। उन्होंने वहीं से कंप्लीट करके भेजा है, पूरी पीको वगैरह करवा के ये बेल लगा के उन्होंने मुझे भेजा है। ये वाला एक और सूट है ऑरेंज कलर का, ये मुझे बहुत पसंद था, ये भी मेरे हस्बैंड ने ही दिलवाया था, इनके साथ में खुद जाके लेके आई थी। ये देखें पूरा शलवार पे पूरा एम्ब्रॉयडरी काम हुआ है, ये मैंने ट्राउजर बनवाया है, और फिर इस तरह से लेस लगाई है, और ये रुबट्टा है, रुबट्टे पे इस तरह की लेस लगाई है चारों तरफ, और कमीज देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत सी, ये देखें कितना खूबसूरत है ये सूट, मुझे इतना पसंद है ये वाला, और ये सिया भी बहुत ही अच्छे से है, देखें आसीन पे यूं डबल लाइन से लगाइए, और गला भी बहुत अच्छे तरह से, देखिए बटन नहीं लगाया उन्होंने, ये बेल कट करके यूं लगा दिए, और पूरे चाक दामन पे इस तरह से बेल लगाई है साइडों पे ये वाली,
और दामन देख ही लेती हूँ क्योंकि हर सूट के नीचे चल जाती है। और रही बात ये कि अबाय के नीचे भी मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है इसलिए मैं ब्लैक ही लेती हूँ। मैंने यहाँ से ही लिए और एक स्लीपर मैंने ये लिए, ये स्लीपर लिए मार्केट वगैरह जाने के लिए। और ये मेरी घर की चप्पल है जो मैं घर में नॉर्मल रूटीन में पहनती हूँ। और इस चप्पल का तो मुझे पता भी नहीं था, ये आज ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, कहने लगे मैं अपनी चप्पल ले रहा था घर की तो मैंने तुम्हारी भी ले ली, ये वो ही लाए थे। और आज जो सबसे बड़ा इन्होंने मुझे तोहफा दिया है, मैं हिल चुकी हूँ उस तोहफे को देख के। इन्होंने मुझे आज गोल्ड की चीजें दी कुछ, और जिससे मैं इतनी खुश हो चुकी थी। और अगर हस्बैंड इस तरह के कोई गिफ्ट दें तो बहुत पसंद आते हैं। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, और मुझे इतने पसंद आए ना ये गिफ्ट, मुझे सबसे ज्यादा ये गिफ्ट पसंद आए। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे ये रिंग दी है, और रिंग देखें कितनी खूबसूरत सी है, बहुत ही प्यारी है, और मुझे इतनी पसंद आई है ये रिंग, ये देखें बहुत प्यारी है। और जो सेकंड तोहफा जो इन्होंने दिया वो उससे तो इन्होंने मुझे दिया चैन लॉकेट, पूरा कंप्लीट सेट दिया, मैं अभी दिखाती हूँ आपको एक मिनट। हाँ ये देखें, ये घर में नॉर्मली पहनने का है, मेरे पास बड़ा तो था चैन लॉकेट, पर इन्होंने मुझे सरप्राइज ये दिया और मैं इससे इतना इतना खुश हूँ ना बहुत ज्यादा। अगर हस्बैंड थोड़ा सा भी गिफ्ट दें तो कितने खुश हो जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। और जो सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छा लगा, इन्होंने अपने नाम का लॉकेट और चैन दिया, वो भी बहुत प्यारा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये मुझे इन्होंने अपने नाम का लॉकेट दिया है और इसी के साथ चैन, और मैं इतनी खुश हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। और उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड वो लॉकेट दोबारा लेके गए थे कुछ करवाने के लिए, वो आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूँगी। पर थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया। और ये देखें ये वाले सारे बैंगल्स हैं, ये सारे मेरे लिए पाकिस्तान से ही आए, ये देखें कितने खूबसूरत हैं। ये सब चूड़ियाँ मुझे मेरी अम्मी ने और कुछ मेरी सिस्टर ने भेजी है वहीं से, और ये उन्होंने स्पेशली तौर पे वहां से TCX करवाया है सारा सामान, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें नहीं मिलती। लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मैंने एक हाथ का ब्रेसलेट लिया है यहीं से लिया था, ये देखें कितना खूबसूरत है, मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है और कितना सिंपल है। और ये रिंग है, ये मैंने यहीं से लिए सारी ज्वेलरी, क्योंकि यहाँ पर ज्वेलरी अच्छी मिल जाती है। और ये वाले मैंने इयर रिंग्स लिए थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और ये बालियाँ हैं, ये बालियाँ ये मेरी पाकिस्तान से मेरी बहन ने भेजी है मुझे, यहाँ पर इस तरह के बैंगल नहीं मिलते, ना बैंगल मिलते ना इस तरह के इयर रिंग्स मिलते हैं। ये देखें कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत से हैं, ये उन्होंने मुझे वहाँ से भेजी है। और ये बेडशीट हैं जो मैंने यहीं से लिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ये पे हम बेडशीट ना लें, बेडशीट तो बनती है, एक मैंने ये वाली बेडशीट ली है। और मैंने ये कंप्लीट सेट लिया था यहीं से, ये पूरा कंप्लीट सेट था। और आई होप आप लोगों को मेरी ईद की शॉपिंग पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सबको चांद मुबारक, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। चांद सामने है दिखा।